हाय एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम BSNL 4G से रिगार्डिंग एक नया अपडेट आया है, जिस अपडेट के बारे में मैं बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार से काफ़ी लोग मेरे से जो कि कमेंट में पूछते हैं कि बिहार से जो कि रिगार्डिंग कोई BSNL 4G से अपडेट है तो हमें बताइए। तो फाइनली बिहार से जो कि BSNL 4G से रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है। बिहार में जो कि जल्द ही BSNL 4G देखने को मिलेगा। तो कब तक आखिर में बिहार में आपको BSNL का 4G देखने को मिलेगा और कौन कौन से जगह पर देखने को मिलेगा, एक एक अपडेट के साथ मैं यह जो कि वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि किसी दूसरे राज्य से आप रहने वाले हैं, तो भी आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आपके यहाँ कब तक BSNL 4G आएगा उसका भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि BSNL जो कि बिहार में कहाँ कहाँ पे आएगा और कब तक आएगा इसके जानकारी को। तो सबसे पहले हेडलाइन की बात करें तो 88 गांवों में मोबाइल डेटा सर्विस जनवरी से, 88 गांव को यहाँ पे जो कि जनवरी से ही BSNL का 4G देखने को मिलने वाला है बिहार में। तो कौन कौन से चल रहे हैं जहाँ पे देखने को मिलेगा इसकी भी जानकारी हम आपको एक एक करके देंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। चलिए चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे सूबे के 88 संचार विहीन गांवों में जो कि जनवरी से मोबाइल डेटा सर्विस शुरू होगी। इससे इस सुदूर गांवों के लोगों के लोग जो कि देश दुनिया से जुड़ सकेंगे, ये बातें BSNL बिहार सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक देवेंद्र सिंह ने मंगलवार को जो कि कहा है एक रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें कि देवेंद्र सिंह ने बताया कि 4G सेचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत 5 जिलों में संचार सेवाओं का बेहतर किया जाएगा। तो यहाँ पे BSNL 4G का जो नेटवर्क है उसको बेहतर किया जाएगा, एक तरह से बोला जाए तो यहाँ पे 4G ही लाने की प्रक्रिया जो कि बात कही जा रही है। तो कौन से जिला है जो कि बिहार में जहाँ पे BSNL 4G आने वाला है फिलहाल जो कि जनवरी तक, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे इसमें कैमूर के 66 जो कि गांव रहेंगे और रोहतक में 10 और जमुई में 7, गया के 5 व मुंगेर का 1 गांव शामिल है जहाँ पे BSNL 4G आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 4G सुविधा भी मिलेगी। तो 4G सुविधा कब मिलेगी इसकी बात करें तो श्री सिंह ने बताया कि 5 जिलों में जो कि यहाँ पे 66 कैमूर और यहाँ पे 10 रोहतास, गया का 5 और 7 जमुई और 1 मुंगेर के गांव में सुविधा दी जाएगी। प्रोजेक्ट के पहले चरण के इसके तहत जो कि नेटवर्क के 88 टावर लगाए जाएंगे। इस गांव में 4G BTS के द्वारा जो कि इंटरनेट और वायरस कनेक्टिविटी दी जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो BTS सर्विस है इसके द्वारा आपको जो कि यहाँ पे जो भी मैं आपको जिला बताया उस जिले में आपको जो कि मिलने वाला है BSNL का यहाँ पे जो कि टावर। जो कि बात करें तो BSNL 4G की भी बात यहाँ पे कही जा रही है। तो जहाँ अब तक किसी भी दूर संचार कंपनी की इंटरनेट सर्विस नहीं है, 4G BTS लगने के बाद इंटरनेट सुविधा शुरू होने के साथ वॉइस कनेक्टिविटी भी अपेक्षित सुधार होगा। यानी कि जैसे कि बात करने में काफ़ी परेशानी होती है BSNL में, अभी भी काफ़ी जो कि देखने को मिलता है कि अगर हम कहीं पे BSNL के सिम से कहीं पे कॉल करते हैं तो हमें बात करने में काफ़ी परेशानी होती है, कॉल कट हो जाता है या जो कि अच्छे से बात नहीं हो पाता है, तो उसमें भी सुधार की जाएगी। तो मुख्य महाप्रबंधक देवेंद्र सिंह ने बताया कि BSNL अकेली कंपनी है जो टावर लगा रही है। तो यहाँ पे जो कि BSNL ऐसी कंपनी जो कि वहाँ पे टावर लगाने वाली है, जो कि हो सकता है कि उस क्षेत्र में यह टावर लगाने की बात कही जाए कर रही होगी जहाँ पे अभी BSNL के अलावा दूसरा कोई नेटवर्क वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी सारे ऐसे भी अभी भी जगह अवेलेबल है जहाँ पर किसी भी कंपनी अपना सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है। जैसे कि अगर प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो प्राइवेट कंपनियाँ वहीं अपना सर्विस प्रोवाइड करती है जहाँ पे ज़्यादा जो कि पॉपुलेशन है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं जिससे उसको बेनिफिट हो वहीं पे। लेकिन यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी अगर BSNL की बात करें तो BSNL एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जो कि वहाँ पे भी नेटवर्क अपना प्रोवाइड करने की कोशिश करती है जहाँ पे जो कि ज़्यादा लोगों की संख्या ना हो। तो कुछ इस प्रकार से अपडेट निकल के आ रहे हैं। तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट से रहने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि जून के 2024 तक जो कि BSNL का 4G ऑल इंडिया ओवर लाने की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत हो चुका है। दिसंबर में भी काफ़ी जगहों पर जो कि BSNL 4G लगा और जनवरी में यहाँ पर बिहार के कुछ जगहों पर
BSNL 4G लगने वाले हैं जैसे कि अपडेट में मैंने आपको बताया, और साथ ही और जहां भी बाकी है जून तक आने की उम्मीद है, जून तक आपको भी BSNL 4G देखने को मिल जाएगा। तो BSNL 4G से रिगार्डिंग और भी कोई अपडेट चाहिए तो आप इस वीडियो को जो कि लाइक कीजिएगा। अगर आप किस क्षेत्र से रहने वाले, कहां कौन से स्टेट से रहने वाले हैं, आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।